हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी हम प्रॉफिट यूसुफ का एपिसोड कौन सा है? 20। आइए देखते हैं। देखो ना कैसा है। बहुत सारे लोगों से नहीं हो पा रहा है। सब एक साथ हो गया। अपना काम करो। तुम हमेशा ही खुद को हमारी खातिर मुसीबत में डाल देते हो। मैं सारे लोगों की मदद करके पहले अपना फर्ज अदा करता हूं। ये लेके जा रहे होगे शायद उधर।
कोई हुक्म था बानो, कष्ट से बहुत से ऐसे अमूर अंजाम दिए जा रहे हैं जिनसे मैं बेखबर बानो हूँ। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और जिस तरह पहले अपनी आंखें और कान खुले रखती थी, अब बस करे कारी मामा। मुझे खबर मिली है कि अहले अरबत एक दूसरे के ताबूत से युद्धार्थी के लिए लिबास, दवाएं और दीगर अशिया पुरतोनोश भिजवा रहे हैं, तो इसमें परेशानी वाले कौन थे? परेशान कौन नहीं, हमने युद्धार्थी को सुल्तान किस लिए भिजवाया था? क्या ऐशो आराम के लिए? मैं तो भूल ही नहीं थी बानो, अगर युद्धार सिर्फ दंदान में ऐशो आराम से रहा तो वो कभी आपकी ख्वाहिश के आगे घुटने नहीं देखेगा। हमें कुछ करना होगा। दंदान उसके लिए जानू से भी पत्थर कर दूंगी। मैं जनाब
थाने की कोठरी में मुंतजर कर। इसके बारे में कोई खबर बाहर निकलने ना पाए आप पीस और बिना रूस को हुकूमत खाने में लेकर आओ। निकाहें को तो जानते होंगे ना? जी आली जहां महाबुद आमन के कहे वो निकाहें आज जिंदान की नेगवानों से तुम्हारे बारे में पूछगछ कर रहा था। क्यों? मुझे नहीं पता आली जहां, मुझे क्या पता है? जहन पर जोर डालो, शायद याद आ जाए। टिकुनी बिना वजह तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा होगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं जाना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ कि तुम्हें याद आ जाए। मैंने कुछ नहीं किया जनाब वजीफा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे जनाब, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे यकीन करें जनाब, जनाब कुछ बार मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, जल्दी जाने में कुछ नहीं जानता, छोड़ दे मुझे, मुझे छोड़ दे जनाब कुछ बार। फिर भी नाम नहीं बोल रहे, देखो ना।
सत्ता में अमूमी ले जाओ। बस इन पर कड़ी नजर रखना, बाद में हमें इनकी बतौर गवाह जरूरत पड़ेगी। चल इनके सामने तो बोल दिया, अभी सबके सामने ही बोल दे। और मुहाफिजान जमदारों से पसंद करते हैं, सभी यूजारसी को पसंद करते हैं, लेकिन वो सबको पसंद नहीं करता। वो जितना महरूमों और मशरूमों को अजीज और मोहतरम रखता है, सब भी सारी रखता है। वो हमेशा या तो दूसरों की खिदमत और मदद करने में मशगूल रहता है, या फिर बातों नसीहत करने में। क्या लगता है होगा?
अस्पताल में बहुत सी आसाइश और सहूलियात मुहैया है, वो वहाँ बहुत आराम से। मैंने आज ये सब कुछ चीज और निगहबानों का मामला और मददगार बना हुआ है। लेकिन तय तो ये पाया था कि जंदान उसे तनबीहन सजा दी जाए। तुमने क्या समझा था कि विजार सिंह को गिरफ्तार करवा के तुमने उसकी तहकीर कर दी है? हालांकि तुम गलत ही पर थी, दर हकीकत तुमने खुद विजार सिंह को अपने चुंगल से निचार दी है। उसने जिंदान जवीरा को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया है, कसरे पुतिफार को बल्कि जिंदान को भी बतौर एसन चला सकता है। मैं तो इस बात से ही कि युजार सिंह ने तुम्हारी चुंगल से खलासी पा ली है बड़ा खुश हूं। अरे रे 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 रे। क्या हुआ फारूक हुजूर? हम अपने मंसूबों में नाकाम हो गए। युसुफ सिंह कभी भी मेरे सामने नहीं झुकेगा। जब उसे सजा ही नहीं मिलेगी तो वो निजात पाने के लिए क्यों तस्लीम होने लगा? देख रही हूँ कि आपने बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर दी है। अभी बहुत से हलवे ऐसे मौजूद हैं जो आजमाए जा सकते हैं, जिसकी आप जैसी अहम खुशी हो तो इससे बेहतर नतायज हासिल हो ही नहीं सकते। मैं जो कुछ भी करती हूँ महज आपकी खुशनुदी हासिल करने के। अरे रे रे रे। जंदाने जाविया के दारुआ को लालच दे ताकि वो उस पर सख्ती करे। क्या ये हरबा कारगर होगा? बहरहाल हमें मुख्तलिफ हरबे आजमाने तो होंगे। उसकी अर्जी कर तो बन से मेरा मकसद उसकी कुर्बत उसके पुर्वत हासिल करना थी, ना कि दूरी। मैं उसकी दूरी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक उसके लिए जंदान गुलिस्तान है वो हरगिज आजाद नहीं करेगा। मदद की तवक्को रखते हैं। यही पत्थर जिन्हें हम अभी तोड़ रहे हैं बाद में इन्हें मुख्तलिफ शक्लों में ढाल दिया तो इन्हें और अमून में क्या फर्क रह जाएगा? अमून तो खुद मोहताज है और उसके तमाम उमूर तो बंदे खुद अंजाम देते हैं। तो फिर हम मुसीबतों में किससे रुजू करें और किससे मदद तलब करें? पूछिए, गौर कीजिए, ऐसे खुदा को तलाश कीजिए जो किसी का मोहताज न हो, कुदरतमंद और कादिर तवाना हो और आपकी मुश्किल कुशाई करने पर कादिर हो। सख्ती से मुजम्मत करता है, वो बहुत ही मेहरबान और रऊफ है।
जाओ। मुझे किदम उनसे कुछ काम है। क्या हुआ, क्यों दोबारा कोड़े खाने का इरादा है? बहुत अहम काम है। अहम? अगर अहम ना हुआ तो खुद को कोड़ों के लिए तैयार कर लेना। ठीक है, राजी हूं मैं। आओ। जुजार सीट की बातें सुनी है? नहीं। क्यों, कुछ काबिल एतराज बात है क्या? उसकी तमाम बातें काबिल एतराज और पुरस्कता है। वो आमने बुजुर्ग और दीगर खुदाओं को नहीं मानता और उनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। तो मैं क्या करूं? उसकी बातों से वो बहुत बेखौफ होकर खुल्लम खुल्ला यक्ता परस्ती और अंधे के खुदा पर ईमान की तब्दील करता है। आप कभी चुप कर उसकी बातें सुनकर? गौर से सुनो ना नेतन, मेरी नजर में एक शरीफ नर्स इंसान है और उन्हें सिवाय दूसरों की मदद करने की कोई कम नहीं। जब से बंदा निजावी आए हैं, कैद खाने और कैदियों की हालत में भी बेहतरी आई और उनकी कानूनी खिलाफ वर्जियों में भी वाजे कमी वाजे। समझे? कैदियों के मान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे उनकी बात फिक्र हो रही है। पहले तो नहीं होती थी। ईमान नहीं, दरअसल तुम्हें कैदियों पर अपने तसल्लुफ की फिक्र ला रहा है ना कि उनके ईमान की। अगर आइंदा फिर कभी युजार सीट से टकराने की कोशिश की या उसकी शिकायत। इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार कोड़े हूं। मैंने सुना है कि तुमने किदानों से बड़ी शिकायत की है। तुम्हें बर्बाद कर दी गई, सब कुछ कर गुजरूंगा। मैंने यही कोशिश रही कि तुम्हें गलत हरकतों से बाज रखूं। तुम्हारे दिल में जो कीना पनप रहा है वो तुम्हारे पल बदूर को तारीख को सियाह कर देगा। मैं तुम्हारी दोस्ती का ख्वाहा हूँ। दोस्ती? मुझसे तुम्हें सिवाय दुश्मनी के कुछ नहीं मिलेगा। दुआ करो कि ऐसा कोई मौका मेरे हाथ में आए। सत्य बात है, मैं ना उम्मीद नहीं। देने आ रही है ना, प्लान किया है अभी देखना है। ये भी अपने साइड से सब कोशिश कर रही है कैसे भी करके तकलीफ पहुंचाऊंगी।
खान, हम सर आली जनाब पुतिफार दंदान का दौरा करने का इरादा रखते हैं। जिनाबे की जामन कहो। बानो जुलेखा, हम सर जिनाबे पुतिफार दंदान के दौरे के लिए तशरीफ लाए हैं। गलत है, क्या लगता करेगा? करेगा शायद, मेरे को नहीं लगता। मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ, ना कि युजार सिंह का हमदर्द और खैरखाह। करेगा वो। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लौटता। उसको भी करना नहीं है, लेकिन उसके तो ऑप्शन नहीं है। Gracias.
ऐसा थोड़ी होता है यार। क्या कर दिया यार, क्या मिला तकलीफ तो कोई भी ना। क्यों नहीं तुम्हें घोड़े पड़ने लगे, तो अचानक चीख उठी, बस कर दो, हाथ रोक लो। ये खातून है ना, उनको गैसो गजब संग लाना है और ना उनकी मेहर मोहब्बत आशिकाना, ना उनकी कीना तुर्जी का कुछ पता चलता है और ना उनकी मेहर मोहब्बत का। तो क्या तुम्हें सुलेखा की वजह से सजा दी गई है? खुद ही दुखी हुई मां। हाँ ना, क्या मिला? नहीं
नहीं मालूम इस बेकरार दिल का मैं क्या करूं। इस दिल ने कहा था युजाशी को कैद करो, करवा दिया। आज मुझे दिल कह रहा है कि उसे आजाद करो, जो मुमकिन नहीं। करा दो आजाद। मैंने युजाशी को कैद क्यों करवाया था? कैसे यार इसको थोड़ी पूरा बोलते ना हुलिया बदल दिया अंदर का पूरा हर कोई वो खाली एक बंदा छोड़े बाकी सब चाहते हैं उसको एकदम से बोलते ना एकदम प्यार से रखते हैं सब सुनते हैं उसकी इनफैक्ट जो उधर के जो संभालने वाले वो भी सब बोलते ना दिल से चाहते हैं उसे एक्चुअली वो चीज मतलब वही ना उनके वो जो ये राजा है ना वो भी वही कह रहे हैं ना कि वो जहाँ जाता है ना हर चीज चेंज हो जाती है लोग उसको प्यार करने लग जाते जी, हैं जी, जी। लेकिन अभी उसे पता भी लग गया किसका प्लान था तो अभी ये लोग भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं एक साइड वो प्लानिंग एक साइड ये युजास सीफ का सीन है ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगा यार यार मतलब मारने की क्या जरूरत थी यार तुम किसी को जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हो यार ये सब चीजों में बहुत पेनफुल था देखना उनको मारो उनको जितना यूज़ा जितना तकलीफ नहीं उससे ज्यादा उनको खुद भी तकलीफ हो गई वही ना चलो देखना होगा आगे और क्या होता है कभी कब निकल पाएंगे यूज़ा सिर्फ ठीक है तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकन